क्या रखा है पढ़ाई में? यहाँ खाने के पैसे नहीं हैं। बच्चा हूँ तो क्या हुआ, मैं सड़क पर काम करना पसंद करूँगा, पैसे कमाऊँगा और सबको खिलाऊँगा। ये लफ्ज़ हैं उस महान शख्सियत के जो हिंदी सिनेमा में हास्य कलाकार के रूप में अमर हो गया। ये तब भी मुमकिन हुआ जब हिंदी सिनेमा के जगत में महमूद, घूमर, केशव मुखर्जी जैसे हास्य कलाकार मौजूद थे। मध्य प्रदेश के दतिया में 29 मार्च 1939 को एक गरीब परिवार से जन्म हुआ सैयद अहमद जाफरी उर्फ जगदीप साहब का। घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे, इसीलिए जाफरी परिवार मध्य प्रदेश से मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद जगदीप साहब ने पढ़ाई के बदले काम करना सही समझा। तब वो महज 7 या 8 साल के थे। दूसरे बच्चों की तरह पतंग बनाना, साबुन बनाना और सड़क पर रहकर जो भी काम हो सकता था वो सब जगदीप साहब ने किया। साल 1950 में बीआर चोपड़ा साहब अफसाना फिल्म बना रहे थे। तब सूट बूट पहनकर एक आदमी की नज़र उस सड़क पर काम करने वाले कुछ बच्चों पर पड़ी। उन बच्चों को उस आदमी ने कहा, तुम लोग फिल्मों में काम करोगे? उन बच्चों में जगदीप साहब भी थे। उन्होंने पूछा, ये फिल्म क्या होता है? कुछ नहीं, बस एक जगह खड़े रहना पड़ेगा, पूरे 3 रुपए मिलेंगे। कुछ दिन बाद फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। एक सीन में कुछ बच्चों को स्टेज शो के सामने बैठकर शो देखना था। उनमें से एक बच्चे को डायलॉग भी बोलना था। क्योंकि वो डायलॉग उर्दू में था, इसीलिए वो बच्चा डायलॉग सही से बोल नहीं पाया। दूसरी तरफ डायरेक्टर परेशान हो गया। तभी जगदीप साहब उठे और बोले, अगर मैं ये डायलॉग बोल के दिखाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? सामने से जवाब आया, 3 रुपए की जगह 6 रुपए मिलेंगे। 1951 में रिलीज हुई अफसाना फिल्म के साथ जगदीप साहब का करियर भी चल पड़ा। बाल कलाकार के रूप में अब दिल्ली दूर नहीं, मुन्ना, आर पार, 2 बीघा जमीन और हम पंछी एक डाल के इन प्रमुख फिल्म में नजर आए। 1957 की हम पंछी एक डाल के इस फिल्म में जगदीप साहब की कलाकारी को देख खुद पंडित नेहरू ने उनकी प्रशंसा की। हिंदी सिनेमा की आइकॉनिक फिल्म शोले में जगदीप साहब ने सूरमा भोपाली नाम का किरदार निभाया। फिल्म में उनका रोल ज़्यादा लंबा नहीं था, मगर अपनी अदाकारी से उन्होंने छोटे से किरदार में ही लोगों का दिल जीत लिया और इसके बाद सूरमा भोपाली के नाम से मशहूर हो गए। 1953 की फिल्म फुटपाथ में पहली बार क्रेडिट रोल में उनका नाम जगदीप दिया गया था। तब से वो जगदीप नाम से ही जानने लगे। एक कॉमेडियन के तौर पर उन्होंने 2 बीघा जमीन से डेब्यू किया था, पर 1972 में आई अपना देश फिल्म से उन्हें सही पहचान मिली और 60 साल के करियर में 400 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें ज्यादातर हास्य भूमिकाएं थी। जगदीप साहब वो शख्स थे जो गरीबी में पैदा हुए, पर अपने मेहनत और जुनून से उन्होंने अपनी खास जगह बना ली और शोहरत भी कमाई। उनके जिंदगी में खास बात ये थी कि उनका बेटा जावेद जाफरी उनसे 2 कदम आगे निकल गए। महमूद, केशव मुखर्जी के बाद आज जगदीप ये नाम बड़े शान के साथ विराजमान है।